नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहाना। शिव की महिमा अपरंपार है, दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार है। जो भक्त सच्चे दिल से शिव का करता पुकार है, भोलेनाथ की कृपा से उनका बड़ा पार है। जी हां, आज है देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे खास दिन यानी महाशिवरात्रि। तो चलिए इस पावन मौके पर एक नजर डाल लेते हैं दमदम हनुमान मंदिर स्थित शिव मंदिर के इस खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव कोलकाता न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सुहाना। हर हर महादेव। जी हाँ, आज पूरे देश भर में यही जयकारे लगाई जा रही है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का दिन यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा दिन। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं कोलकाता के दमदम हनुमान मंदिर स्थित शिव मंदिर में, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो चलिए भक्तों से बात करके जानते हैं कि क्या क्या मनोकामनाएं लेकर वे यहाँ पहुँचे। चलिए बात करते हैं। आज देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि है। इस पावन मौके पर सुबह से ही देश भर के सभी शिव मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्त व श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगाए हुए हैं। कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला दमदम हनुमान मंदिर स्थित शिव मंदिर में, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्त व श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना हेतु पवित्र गंगा जल से भोले शंकर का जलाभिषेक कर तथा भांग धतूरा बेलपत्र फल फूल चढ़ाते हुए आराधना करते हुए नजर आए। शिवरात्रि में महादेव का शादी भी हुआ है, ऐसे हम वहाँ जाते हैं। हम हर साल रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो आज के दिन क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे? जलाभिषेक कर रहे हैं और जलाभिषेक जो भी फूल सुलाते हैं पूजा करते हैं, जो जिसका जो मन है वो चलो। अच्छा, तो आज के दिन व्रत वगैरह भी रखा जाता है, बोलते हैं पंचावर मिलता है बर्थडे, वो तो सच्ची बात है। नहीं तो ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, कैसे मनोकामना का निश्चिंत मेरा भी वही है। फिर भी तो आज के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, सब वही है। हर साल रहते हैं शिवरात्रि का, जाओ जाओ हमेशा करते हैं, हमेशा यहाँ पे आते हैं। मनोकामना तो वही है, परिवार सब अच्छे से रहे, खुश रहे, सभी खुश रहे। शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भक्त महादेव की पूजा उपासना करते हैं, कई लोग घर में तो कई लोग मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक तथा उनकी पूजा करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से पूजा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।